लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में कोपरी गांव के नजदीक पाम बीच रोड पर होने वाली ट्रैफिक जाम से निजात मिलने वाली है। नवी मुंबई महानगर पालिका ने यहां 3 किलोमीटर लंबा उड़ान पुल बनाने की तैयारी कर ली है, जिस पर 340 करोड़ का खर्च होने वाला है। यह उड़ान पुल वासी सेक्टर 17 के महात्मा फुले चौक से कोपरी गांव तक बनेगा। आज सांसद राजन विचारे ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ इस उड़ान पुल के निर्माण स्थल का दौरा किया। नवी मुंबई के कोपरी गांव से वासी सेक्टर 17 के महात्मा फुले जंक्शन तक नया उड़ान पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह उड़ान पुल वासी सेक्टर 17 के महात्मा फुले चौक, सिटी बैंक से शुरू होकर अरिंजा सर्कल, मॉडर्न कॉलेज, ट्रक टर्मिनल, पाम बीच गैलेरिया और कोपरी गांव पेट्रोल पंप तक होने वाली भारी ट्रैफिक जाम को दूर करने में मददगार बनेगा। नवी मुंबई महानगर पालिका ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। 4 लेन वाले इस उड़ान पुल के निर्माण पर कुल 340 करोड़ का खर्च होने वाला है। आज सांसद राजन विचारे ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ इस निर्माण स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 2.85 किलोमीटर के इस उड़ान पुल से थाने, कल्याण, डोंबिवली और MIDC क्षेत्र से आने जाने वाली यातायात सुचारू ढंग से चलेगी और नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत भी मिलेगी। महात्मा फुले जंक्शन ते कोपरी उड्डाण पुल म्हणजे जो आपला ऑरेंज कॉर्नर म्हणजे सिटी बँकेपासून सुरू होतो ते जंक्शन जवळजवळ 8 सिग्नल ह्याच्यामध्ये आपण अवॉइड करून एलिव्हेटेड ब्रिज 2x2 लेनचा एलिव्हेटेड ब्रिज आपण तिथे तयार करतो आहे। कारण महानगरपालिकेकडून जर यायचं असेल आम्हाला पाम बीचपर्यंत ते एवढे सिग्नल क्रॉस करत माणूस तो आणि या नंतर आल्यानंतर इथे कोपरी ब्रिज, कारण APMC मार्केट इकडे जवळ आहे, APMC मार्केट जवळ असल्याकारणाने सर्व हेवी लोड म्हणजे संध्याकाळी तर तुम्ही त्या इथून एवढा जंक्शन पास करायचा असेल तर 1/2 पाऊण तास लागतो। 340 कोटीचा हा संबंध एलिव्हेटेड ब्रिज आहे आणि त्यालासुद्धा प्रशासकीय मंजुरी आहे। आपल्याला सिडको 50% महापालिका अशा माध्यमातून जवळजवळ 340 कोटीचा ह्याचा मला वाटतं टेंडरसुद्धा निघालेला आहे आणि ह्यामुळे संबंध ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, MIDC क्षेत्र तसेच APMC मार्केट आणि नव्यानं होणारं आपलं जे तुमचं जे एअरपोर्ट आहे त्याचीसुद्धा जी ट्रॅफिक आहे ती ह्या निमित्ताने कमी होईल आणि तुमचं ठाणे, कल्याण, डोंबिवली इकडे जाण्यासाठी सुद्धा हा मार्ग, कारण आपण हा कोपरी ब्रिजवरनं गेलो की डायरेक्ट मधल्या त्या लोकमतच्या त्या तिकडचा जो हे आहे तिथून सुद्धा जाण्याचा आणि काटे पुढे गेला की काटेचा जो एलिव्हेटेड ब्रिज आपण जो करतोय तिकडे त्याला त्या जंक्शनला जॉईंट सुद्धा होईल। 2.94चा आपण डायरेक्ट तो काटाईला जोडणारा जो एक्सटेन्शन जो आहे तो सुद्धा याच्यामध्ये टाकलेला आहे आणि त्याचं डिझाईन सुद्धा ना म्हणजे तुम्हाला जे फ्लेमिंगो पक्षी जे आहेत कारण ते त्या ब्रिजवरती संबंध पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून ते नॉईज बॅरर आहेत, त्याचबरोबर त्या पक्ष्यांचं निरीक्षण करण्यासाठी थोड्या गॅलरीज तिथे उभ्या केलेल्या आहेत काचेच्या आणि एवढं सुंदर पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हे सर्व आपण तो घनसोली आरोली गेले कित्येक वर्षाचा अडकलेला प्रश्न या निमित्ताने निकाली निघालेला आहे आणि जनतेचे पैसेसुद्धा या निमित्ताने वाचलेले। गौरतलब है कि एक तरफ जहां कोपरी गांव के पास पाम बीच रोड पर उड़ान पुल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं तुर्बे स्टोर के हाईवे पर कई महीनों से मंजूर उड़ान पुल के निर्माण को लेकर खामोशी छाई हुई है। इस उड़ान पुल के लिए स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहां उड़ान पुल नहीं होने से हर महीने दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग जान गंवाने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि आखिर शिवसेना सांसद वहां पर इतना जोर क्यों नहीं लगा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।